वोकैबुलरी पार्ट 13। फर्स्ट वर्ड है हमारा सेवरल, जिसका मतलब होता है अनेक या फिर कई, मगर कम मात्रा में। जी हाँ, ज़्यादा चीज़ें मगर कम मात्रा में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कई पेन हैं, आई हैव सेवरल पेन्स। सेकेंड, प्लेजेंट, जिसका मतलब होता है अच्छी या फिर खुश करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पास हो गए, यह अच्छी खबर है। दिस इज़ अ प्लेजेंट न्यूज़ दैट यू पास्ड। थर्ड वर्ड है हमारा ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है फसल या फिर अनाज, वह फसल जो कटकर रेडी हो चुकी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, फसल किसान के लिए ज़रूरी होती है, ग्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मर। फोर्थ वर्ड है हमारा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, जी हाँ, किसी नई चीज़ को लाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सरकार ने ट्रैफिक के नए नियम लागू किए हैं, गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू रूल्स फॉर ट्रैफिक। फिफ्थ वर्ड है हमारा रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है बेतुका या फिर हंसने योग्य, जिस बात पर हंस दिया जाए, मतलब वह बात जो किसी मतलब की ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बात बेतुकी है, योर पॉइंट इज़ रिडिकुलस, मतलब आपके पॉइंट में कोई दम नहीं है। सिक्स्थ वर्ड है हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बे इंतहा या फिर अपार, जैसे कि उसका प्यार बे इंतहा है, मतलब अपार, बोले तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है वो किसी चीज़ से। सो इसको हम बनाएंगे, हीज़ लव इज़ इनफाइनाइट। सेवन्थ वर्ड है हमारा वॉयलेंट। वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसक, प्रबल, मतलब जो इंसान लड़ने पर उतारू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनुज हिंसक आदमी है, अनुज इज़ अ वॉयलेंट पर्सन। एट्थ वर्ड है हमारा ग्लॉसी। ग्लॉसी का मतलब होता है चमकदार या कोई चीज़ जो चमकती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके होठ चमकदार हैं, योर लिप्स आर ग्लॉसी। नाइन्थ वर्ड है हमारा ग्लोरियस। इसका मतलब होता है शानदार या फिर सुहावना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मौसम आज सुहावना है, वेदर इज़ ग्लोरियस टुडे। टेंथ वर्ड है हमारा ग्लैमर। ग्लैमर का मतलब होता है चकाचौंध या फिर मोहमाया, जिस चीज़ को देख के आप आकर्षण में चले जाते हो। पैसे की मोहमाया में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ही डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ इन द ग्लैमर ऑफ मनी। नाउ आई एक्सपेक्ट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हैव अ गुड डे।